आओ पनव, ये नाश्ता रेडी है, आओ आ जाओ आ जाओ, नाश्ता कर लो जल्दी। सॉस लगेगा, सॉस चाहिए, केचप चाहिए, केचप केचप चाहिए, रुको मैं केचप लाती हूँ। बन रहा है मुगलाई पराठा, ये देखिए, ये है मैदा। मैदा के अंदर हम लोगों ने डाला है अनियन, प्याज एंड ये पानी से इसको, इसका बैटर बनाया है एंड इसमें है नमक एंड अदरक एंड ये देखिए ये बन रहा है, इंडक्शन में ही बन रहा है एंड अच्छे से इसको फ्लिप करना भी जरूरी है। ये इसका नाम है मुगलाई पराठा, हम लोग इसको मुगलाई पराठा ही बोलते हैं पर इसमें अंडा और मैदे का बनता है ये। लो फटाफट फटाफट अपने हाथ से खाओ, कोई गर्म नहीं है, एकदम ठंडा हो चुका है फैन के नीचे एकदम। आ गया मेरा नाश्ता, इसके साथ मासी ने मिर्ची भी दिया है जो कि मैं नहीं खाने वाली हूँ। मुंह का फिनिश करो फिर ये वाला खाओ, देखो फिर से एक और आ गया ना, पर ये वाला गर्म है। हाँ पहले मुंह का पहले वाला फिनिश करो फिर ये वाला खाओ, फूंक मार रहा है। और ये पनव कौन सा नंबर खा रहा है, सेकंड, राइट एंड दिस इज मम्मा सेकंड एंड ये आ गया मेरा सेकंड वाला मुगलाई। पर मीठा चटनी से अच्छा लगता है, ये मीठा चटनी से हम लोग खा रहे हैं बिकॉज ये जो कल हम लोग कचौड़ी लाने गए थे ना उसी उसी के साथ उस शॉप से मिला था एंड ये जो कचौड़ी के दुकान से जो मीठा चटनी देता है ना वो काफी यम्मी एंड टेस्टी होता है खाने में, तो हम लोगों ने सोचा क्योंकि इसके साथ मुगलाई के साथ भी ट्राई कर ले एंड काफी यम्मी लग रहा है मुगलाई पराठा के साथ ही मीठा यम्मी का चटनी। एंड नाश्ता होने के बाद अभी पनव को लेके मैं पढ़ाने बिठाई हूँ। If I am saying fla, then what will come after e? A. Very good. Write a. Write F L A. Then flag. Flag. What will come after a? The sound. Flag. What will be the last sound? Say. G. G. So G will be the last sound. So we बज गए पौने ग्यारह. पौने ग्यारह एंड हम लोग 9:30 से पढ़ने बैठे थे तो काफी कुछ पढ़ाई हो रहा है, हम लोग का स्कूल का होमवर्क भी कम्प्लीट हो चुका है एंड डेढ़ घंटा होने को आया है एंड अभी पनव को मैंने कुछ ड्राइंग प्रैक्टिस करवाया, उसने खुद से ड्राइंग किया एंड स्कूल का होमवर्क भी हो गया है एंड कुछ पैटर्न राइटिंग वगैरह भी हो चुका है, लैंग्वेज भी हो चुका है एंड अभी इसका पढ़ाई खत्म होने वाला है, उसके बाद पनव जाएगा नहाने एंड मैंने सुबह ब्रेकफास्ट करने के पहले ही नहा के पूजा कर लिया था। हाँ नहीं खोल पा रहा है तो अभी पनव का नहाना हो चुका है एंड अभी पनव पीने वाला है रियल का ऑरेंज जूस। वाओ जूस कैसा है? नहीं धीरे से लगाओ उसको, उसको धीरे से लगाओ, ऐसे नहीं दो हमको, दो ऐसे नहीं, देखो ऐसे ऐसे फ्रिक करके ऐसे हो गया ना, बाल कंघी करना नहीं हुआ, बाल कंघी करना पड़ेगा आपका। आओ इधर आओ, इधर आओ, मिरर के सामने आ जाओ, मिरर के सामने आ जाओ, एंड आज दिन में घर पे बनने वाला है चिकन करी। ये चिकन मैं बाजार से लेके आई थी एंड यहाँ से अब कुछ पीसेस सॉर्ट आउट करके कुछ आज बनेगा एंड कुछ पीसेस नेक्स्ट डे के लिए रख दिया जाएगा। दिन में लंच
में बनने वाला है चिकन करी एंड राइस। तो चिकन मैं दो दिन पहले मार्केट से सुबह मैं लेके आई थी एंड आज उसी का करी बन रहा है। एंड अभी मैं कर रही हूँ आलू फ्राई, क्योंकि चिकन को एक्चुअली कढ़ी बनाने से पहले आलू को अच्छे से फ्राई कर लेना ज़रूरी है। तो क्या आलू का अच्छा टेस्ट आता है, आलू अच्छे से फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं मसाला को अच्छे से फ्राई कर लूँगी इसमें। मैंने चिकन को मैरिनेट करके खाली हल्दी और नमक से मैरिनेट किया गया है, खाली हल्दी और नमक से मैरिनेट करके रख दिया गया है। तो एक प्याज इसमें मैंने डाला है, एक बड़ा प्याज कटा हुआ, और ये देखिए ये एक छोटा सा प्याज पीसा हुआ भी रखा है, इसको भी इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ। एंड ये है लहसुन कटा हुआ, तो थोड़ा सा देखिए इतना सा मैं लूंगी इसमें डालने के लिए। काफी गर्म हो गया है ये वाला ढक्कन, इसको अभी संडासी से उठाना पड़ेगा, थोड़ा दूर में रख देती हूँ। तो ये देखिए लग रहा है प्याज अच्छे से थोड़ा सा लाल लाल हो चुका है। एंड अब इसमें मैं डालूंगी, ये देखिए ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट, इतना सा लगेगा। चिकन देखिए, चिकन का क्वांटिटी इतना है, आधा किलो से थोड़ा ज्यादा ही है। एंड अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोग समझ लीजिए कम से कम 2 चम्मच तो लगेगा ही, 3 चम्मच लगेगा अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तो टेस्ट नहीं आएगा ना, मसाला थोड़ा सा नहीं ज़्यादा डालेंगे तो चिकन करी में टेस्ट नहीं आने वाला है। मसाला को अच्छे से फ्राई कर लीजिए ताकि लहसुन और अदरक का जो रॉ स्मेल होता है ना वो चला जाए। एंड थोड़ा सा हल्का सा भुना हुआ सुगंध निकले मसाला से, ऐसा लगे कि मसाला पूरी तरह से भून चुका है। एंड फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये चिकन। एंड एक चिली को मैंने ये आधा आधा टुकड़ा कर लिया, अब मैं इसको भी इसमें ऐड कर दूंगी, ज़्यादा तीखा नहीं डाल सकती पनक के लिए। एंड ये देखिए इसमें है गरम मसाला पाउडर, ये होल गरम मसाला को हम लोगों ने घर पे पाउडर बना लिया है एंड फिर इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखिए इतना सा मैं ऐड करने वाली हूँ गरम मसाला पाउडर, और फिर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। एंड इसमें अभी मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, बिकॉज नहीं तो ये फिर नीचे से जल जाएगा। अभी मसाला फ्राई और देर तक करना पड़ेगा। एंड अभी आप इसमें ऐड कर सकते हैं ये फ्राई किया हुआ आलू। चिकन करी है, इसको अभी मैंने ढक दिया था, टेम्परेचर थोड़ा गैस का कम करके इसको मैंने बहुत देर तक ढक के रखा था, 5 to 10 minutes कम से कम ढक के, फिर बीच बीच में ढक्कन वहाँ से उठा के हटा के आपको बीच बीच में उसको फ्राई करते रहना पड़ेगा। जितना आप अच्छे से उसको फ्राई करते जाएंगे, जितना उसके अंदर चम्मच चलाएंगे, उतना अच्छे से बनने वाला ये चिकन करी। तो ये देखिए 10 मिनट बाद इसका कलर कुछ ऐसा आया है। और अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस डाल दिया मैंने, अब इसको फिर से आपको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा।
फिर से इसको मैं थोड़ा देर के लिए ढक दूंगी। देने से पहले जितना अच्छे तरीके से आप मसाला को मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से उसको भूंजेंगे, फ्राई करेंगे, उतना अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। तो अभी जब मैं टमाटो सॉस डालने गई थी, मसाला के एक अच्छा सुगंध निकल रहा था, काफी अच्छा हल्का हल्का सा सुगंध निकल रहा था, तो मैंने सोचा टमाटो सॉस डाल के क्यों ना मैं फिर से इसको दोबारा एक बार ढक दूं। एंड उसके बाद 2-3 मिनट बाद जाके मैं इस पे पानी डाल दूंगी और फिर इसको बॉईल करने चला दूंगी, फिर ढक्कन लगा दूंगी। टमाटर तो अभी इतना महंगा है तो खाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग हर सब्जी में, हर खाने में अभी टमाटो सॉस यूज करते हैं, क्योंकि टमाटर तो महंगा है बट मुझे लगता है सॉस का प्राइस अभी भी वैसा का वैसा ही है पहले जैसा, तो हम लोग हर खाने में टमाटो सॉस ही यूज करते हैं। एंड पानी डालने के बाद फिर से इसको ढक देना पड़ेगा ताकि चिकन अच्छे से बॉईल हो जाए एंड कच्चा ना रहे। 7-8 मिनट्स हो चुका है एंड अभी एक बार ढक्कन हटा के मैं देखने वाली हूँ कि कैसा चल रहा है, कैसा हो रहा है। एंड ये देखिए, ये ऑलमोस्ट ग्रेवी में बॉईल आ चुका है एंड अभी मैं गैस का टेम्परेचर जो कि है थोड़ा सा बढ़ा दूंगी, इंडक्शन का। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका है एंड चिकन को थोड़ा सा मैं प्रिक करके देख रही हूँ, ये थोड़ा सा बॉयल हो ही गया है, 60% हो चुका है, 40% अभी भी बाकी है, तो इसको एक बार मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। एंड ये देखिए, ये हो चुका है 60% और 40% होने से अच्छे से चिकन बॉयल हो जाएगा। तो अभी मैंने गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया है एंड अभी मैं वापस इसका ढक्कन लगा दूंगी, तो ये फिर फटाफट जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये देखिए, चिकन कुछ इस तरह से बना है, ये देखिए, तो काफी यम्मी लग रहा है देख। हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग खेल रहे हैं कार्ड्स एंड हर दिन शाम को, इनफैक्ट रात को हम लोग कार्ड्स खेलते हैं, बिकॉज पनव को आजकल कार्ड्स काफी पसंद है ना खेलना। पनव, हाँ, और इसे कार्ड्स नहीं कहते हैं, इसे ताश कहते हैं। ताश, इसे कार्ड्स नहीं कहते, ताश कहते हैं। ताश तो हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसको कार्ड्स। तो हम लोग खेलते हैं एंड आज सुबह पनव काफी पढ़ाई किया है, तो शाम को इसका छुट्टी, शाम को ये नहीं पढ़ने वाला है, तो उन लोग का चाय नाश्ता वगैरह हो चुका है एंड पनव और मैं अभी खेल रहे हैं कार्ड्स। ये देखिए, हम लोग का शफलिंग करके ये रेडी भी हो गया है कार्ड्स, तो हम लोग अभी खेलने वाले हैं कलर मैचिंग। और एक बार दोस्तों मेरा बात सुनिए। हाँ बोलिए। मम्मी एक एक करके दे रहा था, मैं नीचे लगते लगते ताश इससे सफर कर दिया, मम्मी नहीं किया, मम्मी तो पूरा मिट्टी जैसा बना के सफर किया। शफल कर पर, मतलब पनव आजकल कार्ड्स शफल करना भी सीख गया है ना पनव? हाँ। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहाँ पर ही एंड करूँगी। आप लोग को अगर मेरा वीडियोस पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी टिल नाउ। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग का सपोर्ट मेरे चैनल के लिए मुझे ज़रूर मिलेगा, मुझे और पनव को। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हुए ले रही हूँ आप सबसे विदा, मिलते हैं आप लोगों के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। चलो दो 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 जल्दी फटाफट। हाँ अब मैं, अब तुम, आप दो, अब तुम दो, दो तुम दो, दो 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 दो, ठीक से खेलो, ठीक से खेलो। हाँ मैच नहीं हुआ, एक्साइटेड हो रहा है, दो फटाफट। रुको, वेट, मैच हो गया मेरा, ये देखो डायमंड डायमंड मैच हो गया मेरा।